देखिए अमित देवगन जी, अमित उदित राज, उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। महाराष्ट्र के नेता शरद पवार ने विपक्षी दलों के द्वारा अदानी के ऊपर जेपीएससी जांच को लेके अपना बयान क्या दिया, भाजपा से लेके सारे गोदी मीडिया कांग्रेस को गलत ठहराने में जुड़ गए। उसी के चलते अमित देवगन माने हमारा गुल्लू पत्रकार अपनी एक डिबेट में सारे विपक्षी नेताओं को जानबूझ के गलत साबित करने लगे और भाजपा प्रवक्ताओं को अपने डिबेट में तवज्जो देने लगे। पर डिबेट में बैठा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और उदित राज जी ने अमित देवगन की चाटुकारिता को पकड़ते हुए सबके सामने ऐसा जलील किया कि बेचारे की हालत पतली हो गई। सुरेंद्र जी ने लाइव डिबेट में अमित देवगन को सरकारी पत्रकार बोलने से भी पीछे नहीं हटे। उस बीच उदित जी भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गुल्लू को भरवा और दलाल पत्रकार बोल के बीच डिबेट में ही छोड़ के चले गए। गुलाम नबी आजाद ने मेरे को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैंने कांग्रेस को जितना दिया है उसका सिर्फ 1% शायद लिया होगा, मैंने 99% दिया है, मैंने कई राज्यों में सरकारें बनवा के दी है और मैंने राजीव जी का भी काल देखा, मैंने इंदिरा जी का भी काल देखा, मैंने सोनिया जी का भी काल देखा, मैं ये काल भी देख रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस काल में गाली देना पसंद है लोगों को, लेकिन पुराने काल में पसंद नहीं था। जो लोग अपने बंगले के लिए कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो जो लोग अपनी कमजोर माँ को एक बंगले के लिए छोड़ सकते हैं, तो उनकी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। 52 साल में कांग्रेस ने जितना दिया, अगर उसका 1% भी उन्होंने कांग्रेस को वापस किया होता तो आज की डेट में उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती और हम इतने कमजोर नहीं होते। शरद पवार, अरे शरद मिनट यार, आप अमित भाई, आपके साथ बड़ी समस्या है कि क्या नाम ये शहजाद भाई को तो आप पूरा अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं। जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला सर, बोलने ही नहीं देते क्या? जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला। दलाल, चार चार पांच पांच बार जिसको राज्यसभा दी हो, तो दो तीन तीन बार जिसको एमपी बनाया हो, और वो भी कश्मीर के अलावा, कभी महाराष्ट्र से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, और जहां जहां महासचिव रहे, चाहे आंध्रा के महासचिव रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने, उसके बाद भी वो लोग अपना करते रहे और हम लोग चिल्लाते रहे कि साहब इनको मत दो राज्यसभा, लेकिन हमारी न बात मान करके दिल्ली उनको राज्यसभा देता रहा। अब ऐसा आदमी अगर इसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाए तो लानत है ऐसे आदमी। जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट के अंदर, जेपीसी और अदानी, दोनों मुद्दों की उन्होंने हवा निकाल दी। हवा निकाली कि नहीं निकाली? उन्होंने बोला ये दोनों मुद्दे स्टैंड ही नहीं करते आज की डेट के अंदर, क्या कहिएगा? शरद पवार साहब जेपीसी की मांग नहीं कर रहे, लेकिन शरद पवार साहब बाकी सारे मुद्दों पर विपक्ष के साथ हैं। जेपीसी की मांग तक, जब संसद तक मांग थी तब तक साथ थे, जब संसद खत्म हो गई तो इस समय जेपीसी की मांग करना भी, आगे आगे अगली जब सदन आएगी तो निश्चित तौर पर हम जेपीसी की मांग की बात कर रहे हैं। आपने बोला कि आपने पवार साहब, जी जी जी, एक सेकंड, एक मुद्दों पर शरद पवार साहब, उदित राज वेट कर रहे हैं, देख रहा है बिनो कैसे बात को घुमाया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, आपने ये तो नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने साथ में उसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता नहीं हो सकती। आपने ये तो नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत प्रॉमिसिंग नेता है। आपने ये भी नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने यह कहा हो कि सारी विपक्षी नेताओं की धुरी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। बड़ा हरामी हो आपकी पार्टी के प्रवक्ता को लालची कह रही है, कार्रवाई होगी उस प्रवक्ता पर? बार-बार अगर आप तूल देंगे तो गलत बात। मैं पूछ रहा हूँ क्या उस प्रवक्ता पे कार्रवाई होगी जिसने आपके पिता तुल्य ने, आपने बोला पिता तुल्य नेता पर कार्रवाई होगी? आप असली रूप में आ गए अमित देवगन, आप सीधे कहिए ना कि आप भारतीय जनता पार्टी को लाभ देना चाहते हैं, आप शरद पवार साहब को गाली दिलवाना चाहते हैं, वरिष्ठ और पितृतुल्य नेता पर ओछी टिप्पणियां करवाना चाहते हैं। अच्छा, गजब तू भी आज आदमी। ओके ब्रजमोहन श्रीवास्तव, जो लालची बोला गया शरद राव पवार को, उस पर आप क्या आप टिप्पणी करते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहन अलका लामा जी ने शरद पवार जी का नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का एक तंत्र है, उसमें वो बात कर रहा है। फोटो ट्वीट करी उन्होंने उसके साथ? तो क्या फोटो में दो लोग बैठे हैं क्या? अकेले मेरे नेता बैठे हैं उसमें? दो लोग बैठे हैं, किसके लिए कह रही है वो? और मैं ये क्यों मानूं कि मेरे नेता लालची है? मैं ये क्यों मानूं कि मेरे नेता तानाशाही से डरते हैं? वो संघर्षशील नेता है। दूसरी बात एक पूछना चाहता हूँ अमित जी, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट, मैं एक प्रश्न, अमित जी या तो आप मेरी बात पूरी सुनिए अन्यथा आप मेरे को मत बुलाया करिए। अमित जी सुन तो लीजिए ना, क्या बेचैनी है? आप एकदम से बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा सुन तो, सुना तो करिए दूसरे को। आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए,
क्या बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो उससे सहमत हैं? नहीं है सहमत। क्या उनको कंडेम करेंगे? क्या उनको बीजेपी से निकालने की बात करेंगे? वो है ही नहीं बीजेपी में, नहीं है वो। 23 जनवरी मैं तारीख के साथ बता रहा हूं। अरे मैं आपको तारीख क्या, मैं आपको बता रहा हूं। जी एक करके ऑल ऑडियोस डाउन। अमित जी पहले दिल्ली की लड़ाई कर लीजिए, फिर राजस्थान की बात होगी। भाषा को ठीक करिए, आपकी जो इंसल्टिंग लैंग्वेज है ये ठीक नहीं है। आपसे बड़ी सामान्य लैंग्वेज के रूप में आप मेरे से तमीज से साथ बात करिए। आप अमित जी से बात नहीं कर सकते? तमीज से बात करना सीखिए आप। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे बिल्कुल कायदे से मैंने बात करी है, बिल्कुल आपसे बदतमीजी से बात नहीं करी। शांत रहिए अब आप, आपकी टर्न हो गई है। लेट उदित राज जी कम इन प्लीज। उदित राज जी देखिए, अमित देवघन जी, अमित उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। उदित राज मेरे साथ है जो इससे पहले काफी गाली दे रहे थे। उदित राज आप तो समझा रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी, मुझे भी आपने गाली दे दी। गाली अभी भी आप गाली देने लायक है, गजब बेइज्जती है, कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? बदतमीजी से बात कर रहे हो, जाओ यहाँ से।